स्वागत है आप लोग की एक नई वीडियो में। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो YouTube जो है 480p स्टैंडर्ड डेफिनेशन में क्यों चल रहा है एंड जो है 720p हाई डेफिनेशन एंड 1080p जो 1080p ये जो दो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा एंड ये कब तक नहीं आएगा, कब तक YouTube 480p में चलेगा एंड ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड फुल एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना अगर आपको जानना है तो, एंड अगर आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखते रहना एंड किसी के फ़ोन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो शेयर कर देना वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अभी नेक्स्ट के। आप लोगों को पता है कि YouTube जो है वो अभी जो है सबके फोन में 480p में हाईएस्ट दिखा रहा है, जो वीडियो क्वालिटी है 480 स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हाईएस्ट चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है? ऑब्वियसली इसका एक ही कारण है, लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस। इसने ये सब ने सही सुना, यही दो कारण है इसके। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर पे बैठे, ऑब्वियसली लॉकडाउन तो बहुत दिन से किया गया है तो सब लोग घर पे बैठे। ऐसा एक आया कि जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे दिन में 40% इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों को पता है कि आपने देखा भी जियो एंड एयरटेल जो सिम है उनमें डाउनलोडिंग स्पीड अब मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि बहुत लोग घर पे हैं। जियो एंड एयरटेल इन लोगों के पास इतना ज़्यादा डाटा स्पीड इतना ज़्यादा नेटवर्क स्पीड नहीं है कि उन लोग सारे लोग अगर इंटरनेट एक ही बार में यूज़ करते हैं तो उन लोगों के पास इतना ज़्यादा डाटा एंड डाटा स्पीड नहीं है। तो इसकी वजह से जो सर्वर जो है बहुत ज़्यादा डाउन चलता है हर टाइम। तो गाइस लॉकडाउन तो चल रहा है तो आपने कभी सोचा है आप रिचार्ज कैसे करेंगे? तो गाइस लॉकडाउन में सब दुकान बंद है। तो गाइस मैं तो चला फनर्न एप्लीकेशन पे गेम खेलने एंड पेटीएम कैश कमाने। तो आप भी आ जाओ और मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कैसे इसमें गेम खेल के पेटीएम कैश कमाते हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, जल्दी से जाकर डाउनलोड करो फनर्न एप्लीकेशन। तो गाइस इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को अपना जो है फ़ोन नंबर से साइन इन हो जाना है। साइन इन होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारा गेम्स मिल जाएगा जिसको खेल के आप पेटीएम कैश कमा सकते हो एंड ऑब्वियसली आप अपना पेटीएम मनी को डबल कर सकते हो यहाँ पर से बहुत सारा गेम्स आप लोगों को मिल जाएगा जो खेल के बहुत इजी गेम्स है यहाँ पर से एंड बहुत ही इजीली गेम्स है जो बच्चे भी खेल सकते हैं और वो खेल के बहुत ही अच्छा खासा पेटीएम कैश कमा सकते हो। एंड यहाँ पर से आप लोगों को जो नीचे एक ऑप्शन है लुकास नाम की, इस पर क्लिक करते ही आप लोगों को बहुत सारा गेम्स मिल जाएगा, यहाँ पर से भी आप गेम खेल सकते हो। तो बेसिकली गाइस यहाँ पर से आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को KYC करना है। सिंपली तीन डॉट पे ऑप्शन पे क्लिक करके KYC के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर मेरा आप लोगों को क्या करना है, अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी हो एक का फोटो भी यहाँ पर अपलोड कर देना है, एक घंटे में आपका KYC हो जाएगा गाइस। फिर यहाँ पर से आप गेम खेल के पेटीएम कैश कमा सकते हो एंड यहाँ पर से जो है ऐड मनी यहाँ पर से अगर आप लोगों को बहुत सारा गेम्स यहाँ पर से तो फ्री का गेम्स मिलेगा ही, इसके साथ साथ अब अगर पैसे लगे गेम खेलोगे तो भी आप बहुत ही अच्छा खासा कमा सकते हो। 10 लगोगे तो 20 पाओगे, 20 लगोगे तो 40 पाओगे, बोला जाए तो मनी डबल कर सकते हो। यहाँ पर से ऐड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करके आप मनी भी यहाँ पर से जितना चाहो मनी ऐड करके गेम खेल के पेटीएम कैश कमा सकते हो। तो बेसिकली आप देख सकते हो मेरे पास 103 रुपीज़ से जो मैं विदड्रॉ करके अभी दिखाता हूँ जो इंस्टेंट पेटीएम कैश में आएगा एंड इसका जो विदड्रॉ लिमिट सिर्फ 1 रुपीज़ है। तो गाइस मैं यहाँ पर पेटीएम नंबर डाल देता हूँ, मेरा जो पेटीएम नंबर डाल देता हूँ गाइस और ये पर्सन मैं डाल देता हूँ अपना जो है जो कैश मुझे ट्रांसफ़र करना है मैं डाल देता हूँ। तो ये पर्सन यस की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं मेरा जो है सक्सेस। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मेरा पेटीएम में आया है या नहीं आया है। तो कैसे मैं पासबुक में जाता हूँ, लोग देख सकते हैं कि मेरा जो है पेटीएम कैश यहाँ पर से आ गया है जो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है फनर्न एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर से भी जो इंस्टेंट एकदम इंस्टेंट मेरे पेटीएम पे आ गया है। तो जल्दी से जाओ डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है इसका, जल्दी से जाओ और यहाँ पर से गेम खेल के अच्छा खासा पेटीएम कैश कमाओ गाइस। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि यूरोप में बहुत से जब कोरोना वायरस फैल गया था तो यूरोप की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो गूगल बोलो यूट्यूब बोलो जितना भी इंटरनेट से जुड़ी है उन लोगों को बोला गया था आप लोग वीडियो दिखाएंगे बट वो 480p स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्वालिटी में। तो बेसिकली इसकी वजह से जो है 480p उनकी मतलब कहने का यूरोप में बहुत दिन पहले से यूरोप में और मतलब बहुत दिन पहले से मतलब हमें अभी तो कुछ दिन हुआ है चल रहा है बट उन लोगों को बहुत दिन हुआ है 7-8 दिन पहले से उनके ऑफर 480p स्टैंडर्ड डेफिनेशन में वीडियो दिखाया जा रहा है। एंड इसकी वजह से हमारे यहाँ पर भी आप लोगों को पता है लॉकडाउन बट कोरोना वायरस जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है एंड लॉकडाउन भी हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए इंक्रीज़ कर दिया जाए मतलब इतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। तो इसके लिए क्या कर दिया है यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि बहुत लोग एक साथ इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, इतना ज़्यादा नेटवर्क के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो यूट्यूब ने क्या किया है जो उनका जो वीडियो क्वालिटी है जो मतलब जो वीडियो क्वालिटी है उनको HD हटा दिया गया है।
सिंपली आप लोग को बताया सिर्फ अभी जो है 144 240 360 एंड 480 ये चार ही है। ये डाटा बोलो सेलुलर नेटवर्क बोलो ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में हो गया है, कुछ कुछ फ़ोन में नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग हो सकते टेस्ट कर रहे हैं हर फोन के ऊपर, कोई बग तो नहीं है, कोई ग्लिच तो नहीं होगा। आप लोगों को लग रहा है कि कोई बग है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है कि कोई ग्लिच है, बट ये सब कुछ भी नहीं है, ये ओनली फॉर यूट्यूब ने किया गया है। और अभी जो है हॉटस्टार भी 480p में चल रहा है, ऑब्वियसली हॉटस्टार का भी 480p में चल रहा है। ये कोई ऐसा भरोसा नहीं कि आपकी सेलुलर नेटवर्क है, आपके अगर नेटवर्क से चलते हैं तो भी 480p में चलेगा, अगर आप वाईफाई से चलाते हैं तो भी 480p में ही चलेगा। और कुछ कुछ में ऐसा है कि 480 मतलब सेलुलर नेटवर्क से, मतलब सोचो आपको घर पे वाईफाई है आपको चल रहा है 480p में, उन लोग कुछ लोग सेलुलर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उनको चल रहा है 720p में। मतलब सब फोन में ये ऐसा नहीं हुआ है, मतलब ऐसा मतलब कोई श्योरिटी नहीं है गाइस। तो गाइस आई होप आप लोग समझ गए कि यूट्यूब 480p में चल रहा है। बेसिकली इसके कारण लॉकडाउन एंड कोरोना है ऑब्वियसली, तो बेसिकली सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है क्योंकि सब लोग घर पे बैठे एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली एक टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एंड इसके वजह से जो है सब कुछ दिमाग में रख के YouTube जो है पहला जो कंपनी है जो YouTube भी पहला 480p किया है, और अभी हॉटस्टार भी चल रहा है, तो बेसिकली इसका कारण ये है। बट एक चीज़ आप कर सकते हो, आप एक VPN लगा के US की सर्वर कनेक्ट करके आप YouTube को 720 या 1080p में देख सकते हो। और गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। एंड मत भूलना Funnearn एप्लीकेशन को डाउनलोड करना घर बैठे हो, तो जल्दी से जाओ Funnearn एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड करो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा paytm कैश कमाओ गाइस। तो गाइस मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। Tell me that you love me, even if it's fake.